मैं पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। 27 सितंबर के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेली के द्वारा एक बयान दिया जाता है, जिसमें ये किसानों को यह कहा जाता है कि आप सुधर जाइए अन्यथा हम सुधार देंगे। क्या इस तरह का बयान देना उचित है? क्या यह लोकतंत्र के लिए जायज है? क्या इस तरह का बयान देने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो समर्थक हैं, उनके बेटे हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता होगा? आप इस बयान को एक बार सुन लीजिए। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ या सांसद विधायक नहीं हूँ, जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। अजय मिश्रा टेनी के ऐसे बयान के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया, जिसके बाद अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है, जिसमें कई किसान अब भी घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको फिर याद दिला दें, ये बयान 25 सितंबर का है, जिसे आज की घटना से जोड़ कर देखा जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और फिर यह बयान देने के बाद कल यानी कि 3 तारीख को लखीमपुर डीनी में यह घटना घटती है। किसानों के द्वारा काला झंडा दिखाया जाता है और अजय मिश्रा टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के काफिले के द्वारा कुचल दिया जाता है। क्या यह लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? उसके बाद सरकार जिस तरह की रवैया अपनाई हुई है इस घटना को लेकर के, क्या यह सही है? हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो भी हो रहा है, क्या इससे किसान आंदोलन को दबाने की क्या यह साजिश है, या फिर तानाशाह का यह एक प्रारूप जो हम लोग के सामने आ रहा है, इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कल यानी कि 3 तारीख के दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर में पहुंचने वाले थे। और उसके बाद होता क्या है कि वहां के जो अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे अजय मिश्रा टेनी, जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे उनको रिसीव करने जाते हैं और बीच में किसानों के द्वारा काला झंडा दिखाया जाता है। उसके बाद बहस होती है, जिसके बाद से किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है। किसानों के साथ जो घटना घटती है उसमें 4-5 या 8 किसान की मौत हो जाती है। और बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यह बयान आया रहता है कि आप सुधर जाइए अन्यथा हम सुधार देंगे, तो क्या यह बयान का असर है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा काले झंडे दिखाने वाले किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है या उनके समर्थक व्यवहार करते हैं? फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी जी इस मुद्दा पर कम ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा ध्यान वहां पहुंचने वाले विपक्ष को, नेता को डिटेन करने, अरेस्ट करने में अपना ध्यान, अपना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं। रात प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मौजूद थी और वह सड़क मार्ग से उस घटना स्थल पर जा रही थी, उन्हें डिटेन करके बंद कर दिया जाता है। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। लखनऊ में भयंकर बवाल हो जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता को डिटेन कर लिया जाता है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को बंद कर दिया जाता है। शिवपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यूपी में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या जो विपक्ष के नेता हैं, उन सभी को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना, क्या यही इस समस्या का समाधान है? हमें और आपको यह सोचना पड़ेगा कि सरकार का यह रवैया, आप इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं यूपी में हुई हैं जहां विपक्ष को पहुंचने नहीं दिया जाता है, विपक्ष वहां जाना चाहती है, विपक्ष उस मुद्दे को उठाना चाहती है, सरकार उस मुद्दे को उठाने देना नहीं चाहती है। तो सरकार का यह रवैया या तानाशाही नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? विपक्ष जो है
अगर उस घटनास्थल पर पहुंचना चाहता है, उस घटना के बारे में जानकारी लेना चाहता है कि आखिर भाई हुआ क्या, लखीमपुर खेरी में हुआ क्या, तो क्या यह गलत है? आज के डेट में सारे नेता को डिटेन करके बंद कर दिया गया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चारों तरफ गाड़ियां फूटी जा रही हैं, चारों तरफ जो है आंदोलनकारियों पर जो है तरह तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। उसके बावजूद जो है इस घटना का कोई सटीक समाधान नहीं निकल रहा है, जिस पर हम सबों को गौर करना होगा, सोचना होगा कि यह तानाशाही रवैया क्या किसान आंदोलन को कुचलने का है, या फिर अपने तानाशाही रवैया से साबित कर देता है कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, हमारे आगे कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, जो भी घटना हो रहा है हम उसे अपने अनुसार सॉल्व करेंगे, उसे हम अपने अनुसार हल करेंगे। और ये जो कल की घटना घटी है लखीमपुर खीरी में, इस घटना को लेकर के जिस तरह से विपक्ष एक साथ बंद रहा है, सरकार को भी इस पर सोचना होगा कि कहीं यह घटना आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत बन के खड़ी ना हो जाए। बाकी जो भी घटना है आप सब YouTube के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से चारों तरफ देख रहे होंगे, लेकिन एक युवा होने के नाते, एक यंगस्टर होने के नाते आप सबों के सामने हम ये मुद्दा लेकर के आए हैं कि इस घटना पर हमें विचार करना चाहिए। क्या यह लोकतंत्र में जायज है? क्या इस तरह के घटना बार बार यूपी में होता है, इस तरह की घटना बार बार यूपी में होती है? और एक घटना होने के बाद जिस तरह से स्थानीय प्रशासन, राज्य के जो भी प्रशासन है और राज्य की सरकार जो यह स्टेप उठाती है, जो यह अगला कदम उठाती है, क्या यह लोकतंत्र के लिए जायज है? क्या इस तरह के घटना को, इस तरह के स्टेप उठाने से, इस तरह का प्रतिबंध लगाने से क्या घटना रुक जाएगी? अभी के डेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा जिस जगह पे घटना हुई थी उस जगह के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और दोषियों के ऊपर FIR करके उनको अरेस्ट करना चाहिए और समाज के सामने, देश के सामने, राज्य के सामने वास्तविकता को रखने का काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, सभी मशगूल है, अपने अपने अहम में डूबे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई वहां का राज्य मंत्री है, कोई कुछ भी है, सब जो है अपने अपने अनुसार अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की किसी को परवाह नहीं है, किसानों को किसी की परवाह नहीं है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।